The most poorest state of India has transformed into the most emerging state. जी हाँ दोस्तों, आज हम deep dive करेंगे उड़ीसा के culture के बारे में, उसकी growth के बारे में, the food, the technology जो जिस हिसाब से उड़ीसा ने grow किया है, एक बहुत ही छोटा सा part था and now it's turned into a massive thing. जी हाँ, जगन्नाथ मंदिर भी हमारा वहाँ पे. Let's have a look and deep dive into उड़ीसा. ऐसा है, वेव करो, आप भी वेव करो यार. ये इसे कहते हैं हमारे बीजेपी के सीएम अगले 5 साल के. अभी साल की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है हमारे सामने. कुछ ऐसी चीजें हैं जो साइंस भी आज तक आंसर नहीं कर पाया है. There's no shadow from the temple at all and the flag flies in the opposite direction. टेंपल का जो डोम है उसकी शैडो जो है वो शैडो आज तक धरती पर नहीं आई है. उसका रीजन बता नहीं पाए. एंड दूसरा रीजन, डोम पर जो फ्लैग है जगन्नाथ मंदिर का, वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है. समुद्र की दर्शना मंदिर के बाहर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज अबाउट जगन्नाथ मंदिर. जगन्नाथ मंदिर सी के एकदम पास में है, लेकिन जैसे हम अंदर जाते हैं उसकी आवाज पूरी तरह बंद हो जाती है. तो ये भी एक बहुत अनोखी चीज है जगन्नाथ मंदिर के बारे में. जगन्नाथ मंदिर में जो प्रसाद बनता है सबसे ऊपर वाला पहले बनता है. जी बिल्कुल सही कहा. 5 अगर मटके हैं तो यूजुअली साइंस ये कहता है कि नीचे वाला भाई सबसे पहले खाना बन जाए, लेकिन सबसे ऊपर पहले बनता है. जी बिल्कुल सही कहा. हिंदी चक्र जहाँ आप जो भी एंगल से देखोगे ऐसा लगेगा कि चक्र आपके पास ही फेस कर रहा है. ऐसा बहुत सारे रहस्य है जो कोई सुलझा नहीं पाया है. बर्ड्स उसके ऊपर मंदिर के ऊपर नहीं उड़ती. बर्ड्स हेलीकॉप्टर जगन्नाथ मंदिर के ऊपर फ्लाई करते हैं. ये है ब्रेकिंग न्यूज. तो है भाई, देर बताओ तीन कौन सी मूर्ति है. बलराम कौन थे. क्या बात है.